हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट्स आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू करेंगे जो कि क्लास एट्थ की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्कशीट सिक्सटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लाइट मल्टीपल इमेजेस reflected light rays can be reflected again incident on another mirror reflected light can be reflected again recall the last time you visit a hairdresser she or he make you sit on in front of a mirror after your haircut is complete she hold a mirror behind you to show how the haircut has been cut and you could see the hair at the back of your head तो देखो बेटा क्या कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड राइट लाइट रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस से क्या हो सकती है रिफ्लेक्टेड अगेन हो सकती है इफ़ द अनदर उसके सामने कोई मिरर रखा जाता है जैसे कि देखो आपको ये लिए एग्जांपल दिया गया है इसमें क्या कहा गया है कि कभी आप अगर अपने हेयर कटिंग करवाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास में गए हैं तो आपको अगर उसने पीछे के बाल जो कट कर दिए हैं उसको दिखाने के लिए वो आपके पीछे एक मिरर लगाता है और उसका रिफ्लेक्शन आप कहाँ देखते हैं सामने के मिरर में ये आपने अपने साथ देखा होगा ये इंसिडेंस हुआ है आपके साथ में तो देखो इसमें होता क्या है देखो यहाँ इसको समझाने की कोशिश करते हैं बस जैसे कि यहाँ पे आपका फ्रंट मिरर लगा है ठीक है यहाँ पे हम समझते हैं यहाँ फ्रंट मिररर है आप यहाँ पर है और यहाँ पे क्या लगाया गया है एक स्मॉल मिररर पीछे एक मिररर लगाया गया तो देखो जो यहाँ से कटिंग आपके जो भी कट बाल किए हैं इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होगा ठीक है अब कहता है यहाँ पे क्या समझाया गया मल्टीपल इमेजेस में क्या होता है

ठीक है स्टूडेंट तो इसी इसी रीजन की वजह से हम हमारे जो हेयर कट है वो हम पीछे के जो बाल हैं वो आ, सामने के मिरर पर उसको कटिंग को हम देख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर एंड फॉर्म मल्टीपल इमेज और क्या बनाते हैं मल्टीपल इमेज बनाता है द नंबर ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द बिटवीन द मिरर ये जो इसके मल्टीपल मिरर जो मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर बन सकती है और जो इमेजेस का नंबर है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है कि किस एंगल में मिरर रखा गया है ज ए डिवाइस ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन अपने पिछली क्लास में, क्लास में के बारे में पढ़ा होगा पेरिस्कोप क्या होता है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है देरिस्कोप मेक यूज टू प्लेन मीर एट द सेम एंगल मीर होते हैं और सेम एंगल पर होते हैं पेरिस्कोप अपराल्सो बी सोल्जर इन बंकर थिंग्स आउटसाइड विच आर नॉट डायरेक्टेड रेंज ऑफ द व्यूअर्स जो कि सीधी ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं पेरिस को सबमेराइन में टैंक में यूज किए जाते हैं जहाँ पे क्या है कि जो रेज है जो व्यूअर्स हैं वो उसको सीधी रे में नहीं देख पा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे सामने मिरर लग जाएंगे जिससे कि जो सीधी रेंज में नहीं है उनको आगे या पीछे डायरेक्ट नहीं देख सकते हम जो सीधी लाइन में नहीं देख सकते क्योंकि लाइट क्या करती है डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है चलती है ना हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा है तो यहाँ पर क्या है कि इस मल्टीपल इमेजेस हमें मिल जाते हैं अगर दो मिररर आमने सामने लगे हों क्योंकि रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है वो फिर से क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर बस आपको यही चीज़ समझनी है बेटा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन वो दोबारा से क्या हो सकती है रिफ्लेक्टेड हो सकती है अगर उसके सामने अनदर एक मिरर लगा दिया जाए ठीक है आगे देखते हैं बेटा तो वर्कशीट में क्या दिया गया है क्लाइडोस्कोप वर्क और मल्टीपल इमेज सॉरी बच्चे तो आइए देखते हैं बेटा आगे कि हम क्लाइडोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे कैलाइडोस्कोप वर्क ऑन मल्टीपल इमेजेस फॉर्मेशन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन हाउ कैन यू मेक यूर ओन क्लाइडोस्कोप आप you अपना क्लाइडोस्कोप किस तरह से बनाया बना सकते हैं उसके बारे में आगे दिखाया गया है बेटा तो देखिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट मटेरियल थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज टू ट्राइंगल ग्लासेज पीस एंड कार्ड शीट एंड सैलोटे टेक थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप एंड जॉइन देम टू द शो इन फिगर आपको क्या करना है बेटा थ्री प्लेन मिरर लेने हैं रेक्टेंगुलर शेप में हो और उनको इस तरह से बेटा देखो इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है कि एक आपने इस तरफ लगाया एक इस तरफ लगाया और इस तीनों इस तरह से आपको जोड़ देने हैं स्लिप द रबर बैंड एंड द ट्रैंगर ट्यूब अब एक रबर uh, बैंड एक ट्रैंगुलर uh, ट्यूब लेनी है फिक्स द ट्राइंगलर ट्यूब इन दैलेंडिकर ट्यूब टेक टू ट्राइंगल ग्लासेज प्लेट एंड कवर वन ग्लास प्लेट विद्रेसिंग करना है ट्राइंगर ग्लास प्लेट एंड कवर वन द गस प्लेट विद्राइंगर पेपर के साथ उसको कवर कर देना है प्लेस वन ऑफ द ट्राइंगर ग्लास प्लेट एट दन एंड ऑफ द ट्यूब सच दैट इज द लिटिल इन साइड ऑफ द ट्यूब नाउ प्लेस द मल्टी कलर बैलगल्स पीसीज ओवर इट अब क्या करना है? देखो आपने क्या किया यहाँ पे थ्री सेकंड यहाँ पे आपने क्या लिया बेटा देखो थ्री आपने जो पीसेस थे मिरर के प्लेन मिरर के उसको अटैच कर दिया और यहाँ पे एक ट्रांगुलर मिरर आपने क्या कर दिया इसके अंदर प्लेस कर दिया अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको ग्लास ट्यूब में जैसे यहाँ दिखाया गया ना इसके अंदर उसको फिक्स कर देना है अब इसके अंदर आपको क्या करना है यहाँ पे एक कवर पेपर लगा देना है लेकिन उससे पहले इसमें कुछ जो बैंगल्स के कुछ पीसेस स्मॉल पीसेस यहाँ पर इसके अंदर डाल देने हैं कवर इन द एंड ऑफ द ट्यूब विद द अनदर ट्राइंगुलर ग्लास पीस कवर इट विद द ट्रेसिंग पेपर एंड कवर द अनदर एंड ऑफ द ट्यूब विद ए पीस ऑफ कार्ड शीट मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ द इनसाइड व्यू अब यहाँ पे आपको क्या कवर शीट लगा देनी है एक कार्ड शीट लगा देनी है एक तरफ तो आपने मिरर लगा दिया इसके अंदर हमने क्या डाल दिया स्मॉल जो बैगल के पीसेस डाल दिए दूसरी तरफ आपको क्या करना है ट्राइंगर एक कार्ड शीट लगा देनी है और उसके अंदर एक क्या कर देना है एक छोटा सा आपको पोर कर देना है एक छोटा सा छेद कर देना है उसके अंदर होल कर देना है इनसाइड व्यू कैन सी थ्रूट दिस होल इस होल से आप क्या देख सकेंगे इसके अंदर का जो व्यू है वो देख सकेंगे देखो बेटा समझो क्या कहा गया तीन मिरर तीन इस तरह के ट्यूब ये आपने मिरर लिया इसको इस तरह से जॉइंट कर दीजिए ठीक है इस तरह से वो बन गए यहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाएगा बना हुआ यहाँ पे एक और ट्रेंगुलर आपको ग्ला, ग्लास लगा देना है या मिरर लगा देना है ठीक है अब इसके अंदर आपको क्या डालना है स्मॉल पीसेस डाल देने हैं बैगल्स के कलरफुल पीस और यहाँ पर आपको क्या लगा देना कार्डशीट लगा देनी है और उसके अंदर एक होल कर देना है जब आप ऐसे कर देंगे अब यहाँ से जहाँ आपने होल किया वहाँ से देखेंगे तो जो बैंगल के पीसेज है वो व्यूज आप व्यू जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा द क्लाइडोस्कोप इज रेडी एंड पीप फ्रो

एंगल पेरिस्कोप और यूज सम मेराइन एंड ऑल्सो बी सोल्जर्स इन तो से लेके यहां तक आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या है हाउ कैन यू सी योर ट्रिम हेयर ऑफ योर बैक वैन यू गो द हेयर ड्रेसर किस तरह से आप अपने बैक हेयर को देख सकते हैं अभी समझाया था एक मिरर यहाँ पे होता है एक मिरर यहाँ पे होता है और आप यहाँ पे होता है तो फर्स्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है उसके बाद रिफ्लेक्ट अगेन जो लाइट है वो क्या करती है रिफ्लेक्ट अगेन करती है ना तो इसी से आप क्या कर सकते हैं अपने जो हेयर है वो देख सकते हैं तो आइए इसको करते हैं आंसर सॉल्व तो देखिए बेटा आंसर नंबर टू देखते हैं हम यहाँ से

डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाइडोस्कोप कलाइडोस्कोप के बारे में किस तरह उसको कंस्ट्रक्ट किया है पूरा आपको नंबर वन से लेके बेटा यहां तक आपको उसका पूरा आंसर लेना है तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर थ्री अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटा हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म इट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स सेपरेट बाय द फोर्टी सेंटीमीटर आपको यहां पे एक मिरर दे दिया यहां पे एक मिरर दे दिया इनके बीच कितना है फोर्टी सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और यहां एक कैंडल कर दी तो यहाँ पे कितने पिक्चर्स कितनी इमेजेस उसको दिखाई देंगे आपको तो बेटा मल्टीपल इमेजेस दिखाई देंगे क्यों क्योंकि तो ये यह यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तो जब ऐसे पिक्चर दिखाई देंगे तो क्या हो रहा है आमने सामने से दोनों बार बार में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो हमको कितनी पिक्चर्स कितनी इमेजेस दिख जाएंगी हमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर दिख जाएंगी तो आइए करते हैं इसका आंसर हम तो देखिए बेटा आंसर नंबर फोर यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म कितनी इमेजेस बन जाएंगे बेटा मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स